वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड इन द फंक्शंस। इन लास्ट वीडियो वी कंक्लूडेड एट सम फंक्शन, किस तरीके से ऐड करते हैं, राइट। सम फंक्शन हमने क्या किया था, आई जस्ट शो यू वंस अगेन। सपोज करो ये वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करना है। तो एक क्या था, पहले सबसे पहला चीज़ हमने क्या सीखा था कि इक्वल टू साइन प्लस d3, d4, d5, d6। अभी सम फंक्शन में क्या किया था मैंने, इक्वल टू साइन देंगे, देन विल लिख राइट व्हाट s u m। देखो यहाँ पे सम ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आ रहा है इसमें, दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से d3 से d6 तक का, तो d3 से d6 तक ऐसे कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, राइट भी लिख भी सकते हो, बीच में एक d3 से d6 तो बीच में एक कोलन देना होता है, एंड एंटर, तो ये टोटल दे देगा, ठीक है। दिस इज सम। अब जो दूसरा फंक्शन हमें पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट एवरेज। जैसे सपोज करो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो चार स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40, आपसे पूछ रहा है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ ऑल डेटा क्या होगा, ये 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ डेटा है, 1, 2, 3, 4 है, तो दिस इज नंबर ऑफ डेटा। कितना हो गया, 30 30 60 60 40 100 100 बाई 4, क्या मिल गया, 25। तो एवरेज इज 25। मैथमेटिक्स में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब वही एवरेज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो करेंगे क्या, एक एवरेज जैसे सम निकालना था, ऐड करना था, तो सम फंक्शन था, एवरेज निकालने के लिए भी एवरेज फंक्शन होता है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आपको बुक में, दिस वन एवरेज फंक्शन, इस इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है। जो भी आपने दिया है वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स ये सारी चीज़ें दी गई है, तो इसका एवरेज निकालना है इन दोनों का, तो यहाँ निकाल दिया, इन दोनों का तो यहाँ निकाल दिया। कैसे करते हैं, ऐसे निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, करते क्या कुछ नहीं, जहाँ पे निकालना है, जैसे सपोज करो इस वैल्यू, इन दोनों का निकालना था, तो यहाँ पे लिखना है मुझे, तो इस सेल में जाऊँगा, इक्वल टू एवरेज B4 और C4, इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, कितना टोटल नंबर है, 2 है, 1 और 2। लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एवरेज फंक्शन के ऑलरेडी वो क्या है, प्री डिफाइंड है। ऐसे ही चलो करते हैं, जैसे सपोज करो ये हिंदी है, हिंदी के चार बच्चों का इतना मार्क्स दिया, अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर जाऊँगा, इक्वल टू साइन दूंगा, एंड देन आई टाइप एवरेज, AVERAGE। देखो यहाँ पे एवरेज आ भी रहा है, राइट, क्योंकि प्री डिफाइंड ऑलरेडी इसमें मौजूद है। इसको सेलेक्ट कर लो या पूरा राइट कर लो, जो भी है, यहाँ पे गए, फिर आप ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, D3 से D6 तक, तो आप टाइप करो D3 कोलोन दे दो D6 तक का, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो, आ गया 67.5। ऐसे भी देख लो क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेट करते तो 110, 80, 90, 270 हो जाता है, 270/4, 67.5। तो ये होता है एवरेज फंक्शन, ठीक है, दिस इज एवरेज फंक्शन। तो एवरेज निकालते हैं इस तरीके से हम लोग, एवरेज टाइप कर, इक्वल टू एवरेज B4 C4, एंटर, एवरेज आ जाएगा सारे मार्क्स का। तो एवरेज फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ इनपुट, इनपुट पैरामीटर्स मतलब जो अंदर पैरामीटर्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिए गए हैं, तो दैट इज इनपुट पैरामीटर, उसका हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, द लास्ट वन इज मैक्स, ठीक है, मैक्स फंक्शन। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जैसे सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कुछ बच्चों का मार्क्स दिया हुआ 80, एटी नाइन, 84.5। अब इसमें से मैक्सिमम कितना है, 89 है, ये मुझे पता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ इस तरीके से लिखना, मैं चाहता हूँ मैं फंक्शन यूज़ करूँ और वो अपने आप लिख दे कि इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या इन सारे में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 90 है, तो मैं नीचे लिख दूँगा मैक्स और ये सारा सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ देखो
मैक्स बी फोर और सी फोर में, मतलब बी फोर सी फोर इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 80 और 89 आ गया। कैसे, ये फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो मैक्स फंक्शन जो होता है रिटर्न करता है मैक्सिमम, रिटर्न मतलब देता है हमें जो भी इनपुट पैरामीटर दिया है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें बताता है। अब तो चलो एक दो है तो मुझे पता है लिख दूंगा, लेकिन मान लो 1000 डेटा दिया हुआ है, 1000 लाइन्स है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता लगाना है, तो बैठ के एक एक लाइन रीड तो करोगे नहीं आप, राइट? तो वहाँ पर ये फंक्शन काम आ जाएगा, आप सिंपली टाइप करोगे और सेलेक्ट कर लोगे डी फोर से लेके डी 1000 कॉलम तक, उतने को ये रीड कर लेगा अपने आप मैक्सिमम फंक्शन। जैसे सपोज करो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे हिंदी का मार्क्स है, ये डिलीट कर दे रहा हूँ, 50, 60, 70, 90 मुझे पता है कितना वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम 90, राइट? लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ खुद से देख के लिखूँ, मैं क्या करूँगा एक फंक्शन डिफाइन कर दूँगा, क्या करेंगे इक्वल टू, फोकसिंग करने दो ढंग से, हाँ इक्वल टू, फिर एल राइट मैक्स एम, देखो यहाँ पे मैक्स आया, तो मैक्स आप टाइप भी कर सकते हो खुद से, चलो सेलेक्ट भी कर लो, सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, डी थ्री से डी सिक्स तक, तो लिखो उसे डी थ्री, एफ लिख दिया मैंने डी थ्री, वहाँ से डी सिक्स तक, मतलब चार वैल्यूज़ में मैक्सिमम कौन सा है, ब्रैकेट बंद कर दो, मैक्स डी थ्री डी सिक्स एंटर कर दो, कौन सा वैल्यू है 90, हमें भी पता है 90 मैक्सिमम है, मिल गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने जो भी अपना सेलेक्ट किया था ये वाला बी फोर सी फोर, इन दोनों में मैक्स चाहिए था इनको, तो कितना है 80 है 89 है, तो मैक्स यहाँ पर किया इन्होंने, मैक्स बी फोर से सी फोर मैक्सिमम कितना है 80 89 में 89 है, तो उसने वैल्यू दे दिया क्या 89, ठीक है। दिस गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू। अगर बहुत सारे डेटा होते तो वहाँ पे फायदे, तीन चार हैं तो कोई बात नहीं, मैं देख के भी लिख सकता हूँ, बट इफ देर आर टू मच ऑफ डेटा, 100 लाइन्स 1000 लाइन्स 1 लाख लाइन, आपको पता है एक्सेल में आप 1 लाख लाइन्स तक यहाँ से जा सकते हो, ये जो नंबर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा जा सकते हो आप, ठीक है। तो उतना अगर डेटा दिया हो तो उसमें आप पढ़ पाओगे क्या, नहीं, तो वहाँ पे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, पहले वाले सेल को लिख दो, लास्ट वाले सेल को सीधे लिख दो, उसमें से वो अपने आप वो रीड कर लेगा और मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देगा। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट योर MS एक्सेल फाइल, ओके, और डिफरेंट फंक्शंस जो हमने यूज़ किए, कुछ अलग चीज़ें भी दी गई है, जैसे ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आप बुक से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इफ़ जो दिया जाता है, मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि अगर ये नहीं तो ये होना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी आप अगर ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, इफ़ दिस ट्रू है तो वो, नहीं तो कोई बात नहीं कुछ और दे दो, ठीक है। आप कुछ भी लिखते हो, अगर जैसे सपोज़ करो यहाँ पे आप लिख रहे हो JCIPS, चाहते हो कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो सीधे JCIPS स्कूल का वेबसाइट खुल जाए, तो आप वहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखे जो कुछ भी आपने टाइप किया, राइट क्लिक करो, लेट मी सी यहाँ पे हो रहा है या नहीं, जैसे सपोज़ करो राकेश लिखा हुआ है, अब मुझे इसको वेबसाइट ऐड करना है, मतलब वेबसाइट ऐडिंग को बोलते हैं हाइपरलिंक, क्या हाइपरलिंक, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइपरलिंक लिखा हुआ है हाइपरलिंक क्लिक कर दो, और यहाँ पे कुछ एड्रेस पूछेगा, आप टाइप कर दो उस चीज़ को और ओके कर देना, अभी तो इस पर डिफाइंड नहीं है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, तो उससे इससे वेबसाइट अटैच हो जाएगा। अब राकेश का अगर कोई वेबसाइट होगा तो डायरेक्टली इस पर अगर आप ऐसे ऐसे क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो उसका वेबसाइट अपने आप खुल जाएगा। सो दैट इज़ हाइपरलिंक, ठीक है। एक काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको पता नहीं है कितने लाइंस हैं यहाँ पर, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा, उस समय काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं, सीधे आपको बता देगा इसमें कितने काउंट हैं सेल्स के। सम इफ, सम ही करता है, लेकिन उस पर सपोज करो 10 डेटा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं चाहता हूँ 1 को ऐड करूँ, 3 को ऐड करूँ, 5 को बीच वाले को छोड़ दूँ, तो सम इफ़ रेंज देते हैं उसमें कि ये छोड़ दो बाकी को ऐड कर दो, दैट इज़ सम इफ़। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, एक बार रीड कर लेना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड इट किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो दिस कंक्लूड्स द चैप्टर एंड ऑफकोर्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चंस विथ यू।
राइट, जो मैंने इमेजेस क्लिक किए हैं, एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो आप डिस्कस कर लो। और ये सब चीज़ें ठीक है, व्हाट आर फॉर्मूले, सेल रेफरेंसेज। सेल रेफरेंस क्या होते हैं? दिस इज़ द एड्रेस ऑफ अ इनपुट वैल्यू, एड्रेस ऑफ अ इनपुट वैल्यू। आई शो यू ये वाला, जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे ये राम लिखा हुआ है, कहाँ पे है ये लिखा? ए वाले कॉलम में तीन नंबर पे, मतलब ए थ्री पे है। राइट, देखो ऊपर लिखा हुआ अभी ए थ्री, तो ये सेल रेफरेंस हुआ। तो सेल रेफरेंस गिव्स यू द एड्रेस ऑफ अ वैल्यू, एड्रेस ऑफ अ वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है? दी आर द प्रीडिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हो गए इन द एक्सेल सीट। व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मूला? फार्मूला का यूज क्या है? इट गिव्स यू सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैक्स वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कुछ भी आप निकाल सकते हो इस चीज़ से। व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस? तीन टाइप थे, एवरेज, फिर रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड। एक एक लाइन लिख देना क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शंस? फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फार्मूलाज, प्री डिफाइंड मैथमेटिकल और टेक्सचुअल फार्मूला भी होते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपके लेबर को रिलीज करते हैं। ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और रिजल्ट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें खुद से डिफाइन करो, ट्राई टू राइट द आंसर्स। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। थैंक यू।